वेलकम बैक टू माई चैनल माई लाइफ और मैं खुशी। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ट्रेनिंग प्रोसेस के बाद जब आप ऑन द फ्लोर जाते हो तो क्या क्या आपको यू नो एक्सपीरियंसेस देखने को पड़ते हैं, आपको प्रॉब्लम क्या क्या फेस करने को मिलते हैं एंड कुछ अगर बातें सुननी होती है तो क्या क्या पूरा यू नो होते हैं, पिन टू पिन बताती हूँ गाइज। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन पे रख देती हूँ गाइज, जाके वो वीडियो देखना। उसके अंदर मैंने पूरा इन डिटेल में बताई थी डे 1 से लेकर डे 30 तक क्या होती है सब कुछ यू नो प्रोसेस पूरा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेशन हो जाता है कुछ टाइम लगता है, डे 1 से स्टार्ट होते हैं वहाँ से लॉगिन करने के लिए, वहाँ एक्चुअल आपको वर्क स्टार्ट करनी पड़ती है। जैसे कि आप सोचते हो कब एक्चुअल में वर्क स्टार्ट होती है ट्रेनिंग पीरियड में, राइट। सो काफ़ी सारे लोग को यही होता है, मैंने भी ऐसे ही करी थी। तो यहाँ पे गाइस 0 to 30 days, 30 to 60 days, 60 to 90 days ऐसे कुछ फेसेस होते हैं। जैसे ही आप नए नए आए हो तो यू विल बी कॉल्ड एज 0 to 30 days, ठीक है। तो मतलब 1 week के अंदर, तो फर्स्ट 1 week आपको कुछ ऐसा प्रेशर नहीं होगा क्योंकि आप नए नए हो तो सर वहाँ पे जो आपका टीम लीड होता है तो वो समझ कर लेते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, आप अभी अभी आए हो तो जो भी आप मिस्टेक्स करते हो तो दे डोंट से एनीथिंग, आपको टारगेट्स नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ गाइस, उसके बाद हम यू नो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं उसके अंदर। जो भी आपका टाइम स्लॉट होता है उसके हिसाब से आपको लॉगिन करने पड़ते हैं। जैसे कि मेरा होता है 9 to 5, तो वहाँ पे मैं सोची थी अगर कोई बंदा होता है हेल्प करने के लिए सो दैट आई कैन यू नो लॉगिन, उस टाइम पे मैं कर लेती हूँ। क्योंकि जैसे ही लॉगिन करके वहाँ पे फ्लिपकार्ट पेज पे यस दबाते हैं तो ईमेल आने लगते हैं, एंड ईमेल आते हैं तो काफ़ी टाइम तक हमारे पास नहीं होना चाहिए गाइस, बहुत ही बड़ा क्राइम होता है। तो जैसे ही आते हैं हमको ओपन करना पड़ता है, ओपन करने के बाद भी हम काफ़ी टाइम तक वो ईमेल को हमारे पास नहीं रखते। वी हैव टू चेक विद ईच एंड एवरीथिंग, जो भी उनका कंसर्न है वो देखना पड़ेगा, हिस्ट्री उनका है वो पूरा सर्च करना पड़ेगा कि कस्टमर को सोल्यूशन मिला है कि नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है, कुछ चाहते हैं, कभी कभार इनवॉइसेस पूछते हैं तो इनवॉइस डाउनलोड करके उनको सेंड कर देना पड़ेगा। कभी कभार कुछ प्रॉब्लम होती है, पिक्चर सेंड करते हैं कुछ यू नो उनको डैमेज कुछ रिसीव हुआ है तो फिर से कुछ क्रिएट करना पड़ता है उनके लिए, रिटर्न क्रिएट करना पड़ता है या यू नो कैंसिल क्रिएट करना पड़ता है। काफ़ी सारे इसके अंदर कैटेगरीज अलग अलग होते हैं तो ये सब कुछ करना पड़ता है। जैसे इसको कहते हैं AHT, ठीक है। AHT आपको मेंटेन करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि डे 1 से लेके आपको कोई नहीं बोलता कि AHT क्या होती है, काफ़ी कम होनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी डे 1 में, मुझे बस नहीं पता, मैंने कुछ लोग के लिए वेट करी थी अगर कुछ होते हैं सो दैट कुछ ईमेल आती है तो वो लोग हेल्प करते। तो मेरा 9 हो गया है, मैंने 10 को लॉगिन करी थी, 1 घंटा तो चला गया। तो मुझे उस टाइम पे पता नहीं था, मैं सोची थी कि शाम को 5 को लॉग आउट कर दूंगी, बट ऐसा नहीं करना है, 6 तक कम हमको करना पड़ेगा गाइस। वी नीड टू गिव अ प्रॉपर 8 आवर्स का यू नो टाइम होता है वो देना पड़ेगा। 1 आवर होता है ब्रेक टाइम होता है, यानी कि हम लंच में यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। वी कैन डिवाइड, जो हमारी मर्जी है, 30 मिनट्स हम डिवाइड कर सकते हैं, 15 मिनट्स कर सकते हैं, 5 मिनट्स भी ब्रेक लगा सकते हैं, इस कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन आवर सेल्फ। हमारा लंच पीरियड होता है कि 30 मिनट्स में हम खा सकते हैं तो 30 मिनट्स के अंदर हम फटाक से जल्दी खा के फिर से आके हमको रिज्यूम करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो कभी कभार मीटिंग्स होते हैं तो वहाँ पे मीटिंग लगा देना पड़ेगा सो दैट हमको कोई ईमेल नहीं आता, ठीक है। हम अगर एम्प्टी छोड़ देते तो हमारे पास काफ़ी सारे ईमेल्स आते हैं, एंड ईमेल का जो AHT होता है कभी कभार बोलते हैं कि 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो 10 मिनट में पूरा ईमेल हमको चेक करके उनको सोल्यूशन भेज के पूरा सब कुछ ईमेल भी रिवर्ट कर देना है। वी हैव टू रिमूव दैट ईमेल फ्रॉम आवर बकेट लिस्ट सो दैट नेक्स्ट ईमेल हमारे पास आएगा। तो ये पूरा यू नो मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो टीम लीड होते हैं वो लोग वहाँ पे मॉनिटरिंग करते रहते हैं हमने कितने ईमेल सेंड करी थी पर डे, कितने हमने AHT मेंटेन करी थी। हमारा जो यू नो आता है ना फीडबैक, कुछ ऐसे कस्टमर्स हमको फीडबैक देते हैं, आर यू सैटिस्फाइड, ऐसे कुछ ईमेल सर्विस आते हैं रे, तो उस सर्वे के हिसाब से भी हमारा परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। अगर कस्टमर ने 5 रेटिंग दे दिया तो हम 5 रेटिंग पे चलते हैं, अगर कस्टमर ने 3 रेटिंग दे दिया तो 3 रेटिंग इज़ लाइक यू नो सो रेटिंग। डे 1 से कंटिन्यू करते हैं तो आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगा। इसके अलावा वी नीड टू अटेंड सम मीटिंग्स ऑल्सो गाइज, तो यहाँ पे काम करते करते कभी कभार मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं, इट्स लाइक अ बिग हेडेक, क्योंकि वहाँ पे ईमेल देखना पड़ेगा, टाइम देखना पड़ेगा, क्योंकि ईमेल 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे जो मीटिंग है वो चलती रहती है वो भी सुनना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, हेडेक काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है कि हम हमारे काम फोकस से नहीं कर सकते, राइट। तो सुबह की होती है मॉर्निंग ब्रीफिंग सेशन होती है,
अगर मेरा होता है टाइम 9 to 5, ठीक है, तो 8:30 ब्रीफिंग सेशन कुछ होता है, लिंक सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे, सब कुछ होता है गाइज, आपको ऐसा कुछ मैन्युअली ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब कुछ वो लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जस्ट यू नीड टू क्लिक एंड यू हैव टू ज्वाइन दैट मीटिंग गाइज। तो ब्रीफिंग सेशन क्या होती है, जो भी फ्लिपकार्ट के रूल्स होते हैं, जो भी टेक महिंद्रा के रूल्स होते हैं, कुछ नए ऑफर्स आए हैं, कुछ नए नए जो यू नो चीज़ें होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, सब कुछ वो ब्रीफिंग सेशन में बताते जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ होता है 15 मिनट्स का सेशन, कुछ ऐसा होता है, अटेंड करते हैं तो थोड़ा बहुत हमको नॉलेज गेन होता है उसी के साथ साथ, एंड कुछ मिस्टेक्स करते हैं तो वहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि यू नो कस्टमर का कल कॉल हुआ था कुछ इस टाइप हुआ था, कस्टमर की यू नो ईमेल हमको समझ नहीं आई, ऐसे पॉइंट्स हम रेज कर सकते हैं, सो दैट यू नो जो भी लोग हैं वहाँ पे, काफ़ी सारे लोग गाइस, यू कांट इवन इमेजिन, इट्स लाइक 100-150 के ऊपर लोग वहाँ पे ज्वाइन होते हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ही, क्योंकि वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आती है अपडेट होती रहती है एवरीडे, वहाँ पे क्लियर कट बता देते हैं, सो दैट यू नो फिर से हमको जाके वो डैशबोर्ड पे स्पेशली जाके वहाँ पे देखना है पूरा नेसेसरी नहीं होता, अगर वहाँ पे हम सुनते हैं तो दैट विल बी लाइक वेरी इजी। सो ये पूरा चीज़ें होती रहती है गाइस, आपको AHT मेंटेन करना पड़ता है, एंड उसके अलावा भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये कोई नहीं सिखाता, जो भी आप एक्सपीरियंस करते जाते हो हर दिन तो आपको इजीली पता चल जाता है। तो ब्रेक टाइम होती है, आप ब्रेक टाइम जितना भी करते हो उतना आप यू नो ब्रेक लगा सकते हो, बट 1 आवर का ब्रेक ही आपको लगाना पड़ेगा गाइस। और इम्पोर्टेंट बात गाइस, क्योंकि लॉग इन आवर्स वो लोग 2 आवर्स के लिए अपडेट करते ही रहते हैं वहां पे, तो 9 को मैंने लॉग इन करी है या 9:10 को मैंने लॉग इन करी, मैंने डेट मैंने टाइम नहीं देखा है, एंड शाम को मैंने एग्जैक्टली 6:00 को मैंने लॉग आउट कर दी, बट तो इट्स लाइक अ इनकम्प्लीट लॉग इन आवर्स गाइस, तो यहाँ पे पूरा फुल डे का हिसाब आपको नहीं आता है, तो प्लीज डोंट डू दैट टाइप ऑफ मिस्टेक्स। अगर आप लॉग इन करते हो मेक श्योर वहां पे कुछ लिख के रख लेना नोटबुक पे कि इस टाइम पे आपने लॉग इन करी थी, फिर से अगर आप लंच पे जाते हो तो इस टाइप पे आप यू नो लंच आवर लगा के रख दिए, तो इस टाइप आप कैलकुलेट कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक यू नो पूरा वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे होता है, बट कभी कभार हमको जो यू नो सिचुएशन ऐसे होती है कि हमारा टाइम हो गया है बट वहाँ पे टाइम शीट अपडेट नहीं होता कि लॉग इन आवर्स कितने कितने हैं, क्या क्या है, सब कुछ वहाँ पे नहीं दिखाते, तो उस टाइम पे वी हैव टू वेट फॉर अनदर 1 आवर, तो सो इट्स लाइक अ टाइम वेस्ट राइट। तो इसीलिए जब आप लॉग इन आपको आदत हो जाती है राइट, सो दैट फर्स्ट स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जब आप करते हो धीरे धीरे तो आपको आदत हो जाती है। तो मैंने इतने सारे यू नो 30 डेज के लिए मैंने लॉग इन आवर्स लिख के रख लिया, लिटरली मैंने पूरा लिख के रखी है गाइज, कब मैंने लॉग इन करी है सुबह को, कब मैंने ब्रेक लगाई है, कितने मिनट्स मैंने लगाई है, सब कुछ मैंने पूरा एक बुक में लिख के रखी है गाइज, क्योंकि यू नो ऐसे कैलकुलेट करने के लिए टाइम काफी ज्यादा लग जाता है एंड हमको पता भी नहीं चलता। अगर 2 मिनट्स पे रख जाता है ना, इट विल बी लिस्टेड एज ए हाफ डे होता है, वरना हमारा जो लॉग इन आवर्स इनकम्प्लीट हो जाते हैं, कोई भी नहीं होता वहां पे सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ आपको ट्रेनिंग में ट्रेनर होते हैं, एंड उसके बाद जब आप यू नो सर्टिफिकेशन का जो टाइम होता है टाइम पीरियड, तब ऐसे में होते हैं, सब कुछ गाइड कर देते हैं, बट जब आप ऑन द फ्लोर जाते हो इट्स लाइक अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस, जहाँ कोई आपके कोलीग्स भी नहीं होते, यू नो ऐसे समझते हो कि 2-3 कोलीग्स हमारे साथ भी होते हैं तो उनमें से चला लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, यू विल बी डिवाइडेड ईच एंड एवरी पर्सन अलग 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 मैनेजर्स मैडम्स को असाइन किए जाते हैं। अगर मीटिंग में कोई और भी लोग होते हैं तो वो लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते गाइस, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, कुछ सिचुएशन ऐसा हो गया कि एक ईमेल आया था उसके ऊपर 2 ईमेल्स जा सकते थे, बस मेरा थिंकिंग ऐसा था यू नो मैं कंफ्यूज हो गई कि एक भेजू या 2 भेजू, 2 में मैं कंफ्यूज हो गई, आई वाज वेटिंग, मैंने यू कांट इवन इमेजिन एक ईमेल मैंने फर्स्ट डे day 1 पे मैंने 1 आवर रखी है मेरे पास, जैसे ही मैंने रखी 1 आवर मेरा जो मैंने शेयर करी थी सब कुछ, बिकॉज आई वॉज न्यू, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने हेल्प के लिए पूछी अपने मैनेजर को, प्रॉब्लम के लिए बताई, एंड जो भी टीम होते हैं रेलेवेंट टीम वहाँ पे ग्रुप पे होते हैं राइट, गूगल मीट में लॉग इन करते हैं तो वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं, तो उनको भी मैंने हेल्प पूछी है, प्लीज समवन हेल्प मी ऐसे ऐसे करके, बट दे आर ऑल्सो बिजी, सुबह सुबह काफी ज्यादा बिजी होती है गाइस, क्योंकि कॉल्स लेने पड़ते हैं, ईमेल्स देने पड़ते हैं, तो यू नो सबके अलग अलग काम होते हैं, हमारे लिए कोई उनका काम छोड़ के नहीं आते राइट, तो कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं करा, वॉज लाइक सिटिंग आइडल, मुझे क्या करनी है मुझे। अगर मैंने और दूसरा ईमेल भेज दी तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो यू नो एक्सक्लेशन भी हो सकता है, तो इसलिए मैं नहीं करना चाहती हूँ, बस आई वॉज सिटिंग आइडल, बस मैं देख रही हूँ यूट्यूब देख रही हूँ कब कोई रेस्पॉन्ड होता है, सो दैट आई कैन, तब मुझे कॉल आया था मैनेजर से, ही वॉज लाइक स्कोल्डिंग मी
कि तुम अभी क्या कर रही हो, इट्स लाइक मोर देन 1 आवर से एक ही ईमेल पे क्यों अटकी हो, अगर कुछ होता है तो आप कॉल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैंने कॉल ट्राई करी, मैंने व्हाट्सएप कॉल ट्राई करी, मैंने नॉर्मल कॉल ट्राई करी, मैंने यू नो एक ग्रुप होता है उसके अंदर मैंने पोस्ट करी, सब कुछ मैंने किया है, जस्ट सेड एवरीथिंग, मुझे नहीं पता सर आप देख के बता देना। तो देन ही जस्ट सॉ द यू नो ईमेल एंड उसी के साथ रिलेवेंट जो भी होता है वो बता दिए, ऐसे कुछ हुआ था। ओ गॉड, इट वाज लाइक सो, इतना मैं डरी थी, आई कांट इवन टेल यू। फर्स्ट डे ऑफ एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा। उसके बाद शाम होते ही उतना ज़्यादा ईमेल्स के यू नो आपको टारगेट नहीं मिलता है, जैसे जैसे आप एवरी डे करते हो ना तो जब आपके टारगेट बढ़ते हैं, मैक्सिमम अगर पूछते हो तो 50 ईमेल्स आपको दिन में आपको असाइन किए जाते हैं गाइस, इफ नॉट 25। जैसे आपके एक्सपीरियंस बढ़ता रहा तो इट विल बी लाइक 50, 75, 100 कुछ ऐसे होते हैं, वो भी काफी इजी होते हैं गाइस, क्योंकि कुछ ईमेल्स रिपीटेड आते हैं ना तो वो काफी ज्यादा इजी हो जाते हैं, बस करते हैं दूसरा ईमेल सेंड करते हैं फिर हटाओ फिर दूसरा ईमेल आओ, तो कुछ ऐसे होता है करते हैं तो बोरिंग हो जाते हो कि वही प्रॉब्लम वही ईमेल भेजो वही यू नो टैम्पलेट सेलेक्ट करो यही नेम रखो, सिर्फ यही होता है। जब आप आदत हो जाते हो ना इट विल बी लाइक वेरी इजी। एंड आई मस्ट से ये जो कंपेयरिंग टू ऑल द चैनल्स जो ये यू नो ईमेल चैनल है ये सबसे बेस्ट है गाइस, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई कॉल नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको ईमेल आती है तो ईमेल के रिलेवेंट ही आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो यू नो कॉल पे अगर कस्टमर कुछ पूछता है ना तो नहीं होता है तो वहाँ पे इट विल बी लाइक अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ईमेल चैनल में क्या होता है इज लाइक यू डोंट हैव टू कॉल एनीवन, ना ही कस्टमर्स आपको कॉल करेंगे, सिर्फ आपको ईमेल पे आपको यू नो रिप्लाई देना पड़ेगा। एंड उसी के बाद ईमेल अगर आती है तो यू नो इट्स लाइक एन ओनली ईमेल टू ईमेल प्रोसेस, ऐसा कुछ होता है। कभी कभार हार्डली अगर उनके पास यू नो ईमेल का ऑप्शन नहीं है तो तब हम कॉल करके उनके साथ बात कर सकते हैं, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है। सो सबसे बेस्ट है ईमेल चैनल, अगर आपके पास ईमेल का ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आया तो मिस मत करना गाइस। एंड कमिंग टू द सैलरी इंसेंटिव्स कमीशन बोनस इसके बारे में बताती हूँ। तो फर्स्ट मंथ का जो सैलरी मुझे मिला है इट इज़ लाइक 16,800 कुछ मुझे मिला है गाइस, बट मेरा जो सैलरी बोला गया है 14,500 आपको इन हैंड मिलेगा, बट मुझे मिला है 16,800 मिला है, क्योंकि उस टाइम पे परफॉर्मेंस के ऊपर भी मुझे मिला है एंड उसी के साथ साथ कुछ अटेंडेंस का कुछ ऐसा मिला था गाइस, क्योंकि उस टाइम पे फ्लिपकार्ट के कुछ एनुअल डेज चल रहे हैं, बिग बिलियन डेज ऐसा कुछ होता है, तो बिग बिलियन डेज सिर्फ ईयर में 1 टाइम ही होता है फ्लिपकार्ट के साथ, तो आई एम वेरी लकी मेरा ज्वाइनिंग पहले ही हो गया है। तो यू नो जो भी कैंडिडेट्स 40 डेज तक यू नो इस टाइम से लेकर इस टाइम तक 40 डेज का ऐसा अटेंडेंस होता है तो उनको 5,000 एक्स्ट्रा देता है कंपनी, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया है जो भी आपका यू नो इनहैंड सैलरी होता है 14,500 उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ मिला के पूरा 20 हो गया है। एंड परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आपका यू नो रेटिंग्स होते हैं 5-स्टार रेटिंग, इट इज लाइक अ कैटेगरी वाइज ABCD ऐसा कुछ होता है गाइस, अगर आप ए में होते हो तो आपका यू नो फीडबैक काफी अच्छा है, तो मेरा हमेशा ए में ही था, आई डोंट नो कस्टमर्स ने कुछ ऐसे अच्छे अच्छे फीडबैक्स दिए थे तो उसका होता है, तो उसका इंसेंटिव अलग होता है, ठीक है। अगर आप मीटिंग्स पे जाते हो तो उसका अलग होता है, तो ऐसे काफी सारे आई कांट इवन टेल यू, मैंने कंफ्यूज हो गई, मुझे पता ही नहीं, आई वाज लाइक सैलरी का यू नो देखने के बाद आई वाज कंप्लीटली शॉक कि इतना ज्यादा कैसे आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो ऑफर्स बदलते रहते हैं, पॉलिसीज बदलते रहते हैं, तो यू नो इट डिपेंड अपॉन द फेस्टिवल्स ऑल्सो, अगर फेस्टिवल्स आते तो उस टाइम पे भी कुछ काफी अच्छे इंसेंटिव्स एंड बोनस मिलते हैं गाइज। सो दैट्स इट, कुछ ऐसी होती है ऑन द फ्लोर जाने के बाद गाइस। अगर आपको कुछ डाउट्स है इसके अंदर सो दैट आई कैन हेल्प यू विद, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है खुशी स्टाइल्स 999, यहाँ पे रख देती हूँ, आप मुझे फॉलो करके आप जो भी आपके डाउट्स है पूछ सकते, इफ नॉट आपके जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज कमेंट डाउन करके जरूर बता देना, मैं रिप्लाई करने की ट्राई करूंगी गाइस। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, आई होप आपको आज का इस वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो मैं मिलती हूँ दूसरे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय।